जयप्रकाश और जेपी किधर है ना किसी की दलाली करके अपनी पगड़ी दूसरों के पैरों में रखने का काम नहीं करते ये लोग जयप्रकाश जेपी ने को नेता है ही नहीं जयप्रकाश जेपी को तो इसलिए उड़ाना हुआ दे रखी है कि मतलब वहां ये रणदीप का भी रोडा अटका देगा कलैत की जनता का रोडा अटका रहेगा कैथल में चौधर आवा नहीं और ये और नेता है और उन्होंने मारे रखेगा लड़ा बढ़ाई के तैयारी में रवा है यो मतलब इसकी छवि एकरित रह गई है जयप्रकाश जेपी तो नेता है भाई साहब इस ताड़ी तो मैं कहूँगा कि किसी गांव में बिल्डा दे कुत्ती थी भले अनु कहा कुत्ती का जीमा जी नहीं जनिया बोले शेर ने मार दे बोले फिर बोले भाई कितने मारे उड्डा को इसने दो हजार चौदह में ये कहा था कि उड्डा से ऐसा गंदा नेता नहीं है जिसने मेरे को एक साजिश के तहत कांग्रेस से बाहर कराया उड्डा ने मेरी टिकट कटवाई है उड्डा जैसा मतलब नेता नहीं उड्डा ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है अब ये बताओ आज ये उड्डा के गुणगान कह रहे गा रहा है अब ये कह रहे हैं कि उड्डा को मेरे को बोले बीच में बोले वहाँ आदमपुर चुनाव के लिए मना कर दिया था फिर मेरे को उड्डा आदमपुर ले गया अरे भाई तेनाली मना कर दिया था तू तो छोरे ने बेचता भाई मैं छोरे के लिए लड़ूंगा तेने मना नहीं कराया तू एक बहुत ही निजी स्वार्थी आदमी है आज तक जिसने तेरी मदद करी जिसने तेरा साथ दिया तेना उसे का लात मारी चाहे देवलाल से ले लो देवलाल के लिए भी तो आपने यही शब्द युद्ध करे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए भी आपने यही शब्द यूज करे हैं हुड्डा साहब के लिए भी आपने 2014 में यही शब्द यूज करे हैं जब तक जहाँ तक आपका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक आपके लिए वो नेता सही है नहीं तो आप जैसा मतलब दो अला नेता ना इस धरती पे है ना आएगा नमस्कार मैं आपका साथ जितेंद्र सेसाई फिलहाल जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे नेता हैं अपने दूसरे नेताओं पर कटाक्ष करने लग रहे हैं हम बात कर रहे जयप्रकाश रूप जेपी की जिन्होंने अपने कलायत के अंदर एक कटाक्ष किया है रणदीप सिंह सुरजावाड़ा ग्रुप पे शैलजा ग्रुप पे यानी कि जो उससे अन्य नेता हैं जो अलग है अपना काम करने लग रहे हैं उनको कह कि भाई इस तरह लोग हैं जो जयप्रकाश का परिवार है उसको कदे हरा नहीं सकते हमारे साथ अमित शिवाज मौजूद हैं बातचीत करा देंगे नमस्कार भाई साहब नमस्कार भाई साहब आपके आपको और आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार बात की जाओ तो जो फिलहाल जयप्रकाश जेपी ने एक भाषण दिया है रुंडी खुंडी के मना रह देंगे क्या कुछ कहोगे? वो रूंडा खुंडा शब्द है ना उसने किसी बड़े नेता या किसी और के लिए यूज नहीं किया वो क्लैत की जनता को सोचना पड़ेगा उनका जो बच्चे आज है ना इलेक्शन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ना अपने आप की उम्मीदवारी के लिए या अपने आप के भविष्य को निर्धारण कर लेगी राजनीति में उनके बच्चों को या क्लैत की जनता को रूंडा खुंडा कह है उसने और रूंडा खुंडा शब्द एक चीज़ मेरे को पता नहीं आती पता है नहीं तो उनको आम करके बच्चे जो राजनीति में आगे आ रहे हैं ना क्लैत के अंदर वो राज नहीं आ रहे वो अपने आप को एक तरह का बाहुबली समझ के एक छतर राज करने की सोच रहे हैं लेकिन ये कलैत की जनता कभी गुवारा नहीं होगा कलैत की जनता इसको कभी भी नहीं मानेगी अब एक चीज़ बताओ वहाँ जो तैयारी कर रहे हैं ना जिनको उन्होंने रूंडा खुंडा शब्द यूज कराया है वह धर्मवीर गोड़े खांझी हैं वो एक साधारण किसान के बेटे हैं उन्होंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा कांग्रेस के सच्चे सिपाही भी हैं अच्छी तरह से कांग्रेस की सेवा भी कर रहे हैं संगीता ढोड़ हैं वो युवाओं की एक बुलंद आवाज़ है उन्होंने छोटे से मुद्दे से लेकर बड़े मुद्दे तक मतलब युवाओं को आगे लेके आने का, का काम किया है अनिता ढूढ़ो कलैत की बेटी है जब वो अपने बच्चों का सम्मान नहीं कर सकते ना तो राजनीति में आके किसका क्या भला कर देंगे और जो कह रहे हैं ना वो लोग जिनको रुंडा खुंडा कह रहे हैं हैं ना रुंडे खुंडे ना वो अपनी चौधर की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं जयप्रकाश जेपी की है ना किसी की दलाली करके अपनी पगड़ी दूसरों के पैरों में रखने का काम नहीं करते ये लोग जयप्रकाश जेपी ने को नेता है ही नहीं जयप्रकाश जेपी को तो इसलिए उड़ाना वादे रखी है कि मतलब वहां ये रणदीप का भी रोडा अटका देगा कलात की जनता का रोडा अटका रहेगा कैथल में चौधर आवे नहीं और ये और नेता है और उन्होंने मारे रखेगा लड़ाई बढ़ाई के तैयारी में रवा है यो मतलब इसकी छवि एक और जयप्रकाश जे पी तो नेता है भाई साहब इस तार हुई तो मैं कहूँगा कि किसी गाँव में बोले दे कुत्ती थी भले अनुकहार दे कुत्ती का जीम आज जी नहीं आोला शेर ना मार दे बोले फिर बोले भाई कितने मारे बोले मारिया कुछ नहीं बोले कहते तो बोले मेरे साले की गई जी एमए को नहीं आई जयप्रकाश जेपी तो ही हो इसके कलायत का करण की कभी जी एमए को नहीं आई कदे तो इन्हें टंपू में गुदड़े किसे साइड लाद लिए कदे किसे साइड लाद लिए एक नेता बता दो मैंने आज ये उड्डा का गुणगान कर रहा था अपने भाषण में उड्डा को इसने दो हजार चौदह में ये कहा था कि उड्डा से ऐसा गंदा नेता नहीं है जिसने मेरे को एक साजिश के तहत कांग्रेस से बाहर कराया उड्डा ने मेरी टिकट कटवाई है उड्डा जैसा मतलब मतलब नहीं उड्डा ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है अब ये बताओ आज ये उड्डा के गुणगान कह रहे गा रहा है अब ये कह रहे है कि उड्डा को मेरे को बोले बीच में बोले वहाँ आदमपुर चुनाव के लिए मना कर दिया था फिर मेरे को उड्डा आदमपुर ले गया अरे भाई तेने तो मना कर दिया था तू तो छोरे ने बेचता भाई मैं छोरे के लिए लड़ूंगा तेने तो मना नहीं कराया तू तो एक बहुत ही निजी स्वार्थी आदमी है आज तक जिसने तेरी मदद करी जिसने तेरा साथ दिया तेने तो उसे का लात मारी चाहे तो चाह से ले लो तो देवलाल के लिए भी आपने यही शब्द युद्ध करे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए भी आपने यही शब्द यूज करे हैं उड्डा साहब के लिए भी आपने 2014 में यही शब्द यूज करे हैं जब तक जहां तक आपका स्वार्थ सिद्ध होता तब तक आपके लिए वो नेता सही है नहीं तो आप जैसा मतलब दोगला नेता ना इस धरती पे है ना आएगा जयप्रकाश रूप जब पी बात हो रही है तो क्लायत में बेटा और इस लोकसभा में बाबू यानी कि जेपी और उसका बेटा बनाऊंगे सरकार ये वादा एक जनता की तरफ कराने लग रही जनता ने बताने लग रही भाई हम दोनों जगह तो हम ही हमारा परिवार ही चुनाव लड़ेगा ये बात कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही होगी ना जयप्रकाश उर्फ जे पी कह रहे हैं ना और जो जयप्रकाश जे पी कह रहे हैं ना उसके कहने से कुछ नहीं होता इशार लोकसभा में इशार के लोग जेपी मांगे के है क्यों इशार के नौ लोकसभा हैं जो उनमें बच्चे नहीं पैदा हो रहे इशार का युवा का खाने के लिए आएगा अब किलात वालों को तो, वो तो वो कह रहे हैं रूंढे खुंडे कह रहे हैं अभी इशार वालों को भी रूंढा खूडा बढ़ा होगा के आदमपुर में बोले आदमपुर में मैंने ले गए क्यों आदमपुर में आदमी नहीं थे अरे तेरे बोले मणस तेने नू ले गए थे कि भाई तू कि ठीक साहब तू मरिया पड़ा तू राजनीति में दोबारा जीवित हो जाएगा पार्टी तेरा बोला कि सोचो था पार्टी के साथ हमेशा हम ऐसा गद्दारी करिए इशार के युवा मर गए इशार के अंदर युवा इशार का युवा ही इशार का चुनाव लड़ेगा ऐसे गद्दारों को या पार्टी के धोखेबाज नेताओं को पार्टी के ने देखना चाहिए ऐसे धोखले दो, और धोखेबाज नेताओं को टिकट नहीं देनी चाहिए एमपी का टिकट इशार के ही किसी नौ की कि नौ विधानसभा में से किसी न किसी एक युवा को दे एक युवा को एक किसान के बेटे को या किसी एक कर्मचारी के बेटे को या किसी एक वे किसी भी मतलब फील्ड के बेटे को आगे बढ़ाना चाहिए यह नहीं कि हम कहीं से भी उठा के लिए नेता क्यों हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है हम राजनीति नहीं जानते हम इशार के हम इशार की तासीर को नहीं समझते भाई इशार को क्या चाहिए क्या ना चाहिए क्या जयप्रकाश जे पी बताएगा क्या हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए जयप्रकाश जेपी जैसे फिर लोग पीठ लघु नेताओं को अप चौधर की पगड़ी अपनी चौधरी की पगड़ी जो दूसरों के पैरों में रखते हैं उनको ये जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी जयप्रकाश और जेपी का तो ये लास्ट चुनाव है अगर कहीं से लड़ेगा तो लड़ लेगा नहीं जयप्रकाश जे पी का तो राजनीतिक अंत हो चुका है इसके अलावा बात करो तो इशार लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जहाँ तक ओड्ढा साहब हैं एक ग्रुप हैं सुरजावाला जी हैं और रसेलजा जी हैं इनकी तरफ से देखा तो इशार लोकसभा से जो एक तरफा नाम निकल रहा है जेपी का आपकी बात सुना हाँ आपके ग्रुप की सुना हाँ कहीं ना कहीं कहीन जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर एक दंगल होने वाला है एक विरोध प्रदर्शन होने वाला है कि भाई सताई नेता चाहिए इशार का चाहिए है बाहर का नहीं देखो ये तो पार्टी को सोचना है अब पार्टी के कार्यकर्ता और हिसार लोकसभा की एक ही आवाज़ है कि हमें अपना नेता अपनी नौ विधानसभाओं से किसी भी को नेता को दो हम जी जान से मेहनत करके आपकी झोली में एक लोकसभा की सीट डाल देंगे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी प्रियंका गांधी जी हम सब की जोड़ी में ये सीट डालने का काम करेंगे इशार की अगर इिसार के ही किसी साथी को अगर मतलब चुनाव लड़ाया जाता है तो ऐसे हमारे ऊपर नेता थोपे जाएंगे तो हमारे भविष्य को जो नेता खाने के लिए आएंगे ना उनके लिए हमारे पास समय नहीं है इसलिए हम पार्टी से अक्षमा याचना भी मांगेंगे और हम पार्टी से प्रार्थना भी करेंगे कि, कि किसी ना किसी इशार के ही साथी को टिकट दिया जाए पिछला चुनाव है पिछले लड़ा विधानसभा चुनाव के हम जिक्र कर रहे हैं लगभग इकतीस सीट आसपास जीत हासिल हुई लेकिन कांग्रेस पार्टी को नेता ने भाई इतनी सीट निकल सकती थी लेकिन पीछे जनता में बात चली राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई कि जो कांग्रेस है अपने ही कमी मार रही है अपनी गुटबाजी मार रही है वो गुटबाजी अब की बार दिखाई देगी पर इकट्ठा होते नजर आ रही है देखो कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है ये कुछ लोग हैं जो अपने आप को किसी को कह कहते हैं ना पेड़ बना के अपने आप की हाजरी दिखाने के लिए किसी के बारे में कुछ भी कह दे हैं बट ठीक है जो दो शब्द रणदीप के बारे में कह दिए जैसे जयप्रकाश जेपी जैसे नग उड्डा खुश हो जाएगा जो मतलब दो शब्द शैलजा के बारे में कह दिए लेकिन इनके अंदर आपसी कोई तकरार नहीं है सब मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए केंद्र के अंदर कांग्रेस का राज लेके आने के लिए गठबंधन का राज लेके आने के लिए सब एक होकर मेहनत कर रहे हो रहे हरियाणा में सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी नहीं कि इस तरह के नेताओं के बहकावे में आकर अपने अंदर फूट कर कलायत में जयप्रकाश उर्फ जेपी एक भाषण देने है तो कैथल वाले कांग्रेसी नेता कड़ा जाऊँगे जो कर कलायत की तरफ बार बार कर टाक्स करने लग रहे हैं कहीं से निकालने की कोशिश करने लग रहे हैं तो कैथल छोड़ के भजना पड़ जाएगा देखो बड़ा ही मैं आपको मतलब साधुवाद देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए आपने एक बात बड़ी अच्छी बात करी है भाई जयप्रकाश जेपी ने कहा भाई कलातवा ने पहले तो कहा कि उसने भले आप क्लायत में रैली करें हैं ले, ले रैली बार बार रैली क्लायत में करें हैं क्लात का बेटा है वो कलैत की चौधर की लड़ाई लड़ रहा है कैथल की चौधरी की लड़ाई लड़ रहा है बांगर की चौधरी की लड़ाई लड़ रहा है सारी उम्र हम दूसरों के नीचे राज करते रहेंगे क्या जयप्रकाश जेपी के लिए फिर मैं शब्द वही यूज करूंगा जयप्रकाश जेपी तो नेता भले अपनी पगड़ी दूसरा के पैरा मैं दरके आनी है अपने घर की चौधर तो अपना भाई ना तो जो काटने की सोच रहा हो और दूसर का मैं नेता बना दूंगा वो तो भाईचारा सोचेगा कलैत का और जो जयप्रकाश जेपी का ना अपने मुंह पर तमाचा मारा वो तो जयप्रकाश जेपी का कलैत की जनता ने मुंह पर थप्पड़ मारा है 2019 में भी राहके मारा है और के नाम लिया कर उसके बाद जो रैलियां करी हैं जितनी भी सबकी सभी सब रैलियों में सफल करके जयप्रकाश जेपी के मुंह पर तमाचा मारा कि ये युवा भी है ना कलैत के भविष्य को सुधार सकते हैं क्लैत का भविष्य बना सकते हैं आप जैसे पिठलघु नेता ही कलैत के भविष्य को खराब करे ये युवा अब कलैत का भविष्य स्वरेंगे कलैत का भविष्य बनाएंगे और वो क्या कहता है कि मेरा कैथल की तरफ जो मुंह हो गया तो वो कैथल आड़े कड़े जाऊंगे भाई तेरा मुंह तो आदमपुर का नहीं भी होया था ओढ़ा भी तरीके से कह दी तेरा क्लायत में भी तरीके से लकड़ ली थी जनता ने समझ लिया तू इशार लोकसभा में आया बाई इलेक्शन में जब तेरी जमाने जब तो ही थी। और तेरे क्राइम कांडा ने दाता गौतम तो गल्ला उ तुम स्टेज पर चढ़ा जब पब्लिक ने तैर के दबा दिया था अरेब भी जब लग जुगर तना टेंट पैटे थे लोग नहीं युवा इतना आक्रोश में जब लग तेरे टेंट नहीं पैट लेंगे नहीं नी मने दिखा है जब लग तुम इस एरिए का या मतलब अलका की चौधर का या जिले की चौधर का भोष्य खावा है नी यो जब लग तेरे टेंट नहीं पाट लेंगे नहीं जब लग तू माना भी नहीं और जब तक तेरा पक्का इलाज नहीं हो जाएगा ना तेरी भाषा में एक बात कहना चाहूँ बच्चे तो समझिए अर नहीं कलायत में जो तू नू कह नहीं मैं पिछली बार जे पार्टी ने इक्की बार भी तेरी टिकट तेर देने की गलती कर ली नहीं पिछली बार तो सात सूत हजार धारा था तू इफकी बार पंद्रह बीस हजार धारेगा क्योंकि कलायत की जनता ना कैथल की जनता ने देख लिया भाई की लड़ाई राज लियास कह दो तो एक आदमी है इस एरिया में बांगर की चौधर लियास कह दो है, तो है चौधरी रणदीप सिंह सुरजे वाला और अगर आप इन इसके बीच में रोड़ा बनोगे तो आपकी जमानत भी नहीं बचेगी आप मतलब युवा इसका युवाओं का या इस एरिए का भविष्य नहीं खा सकते आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरी बात से सुनी आपने क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दिया और राजनीतिक अपडेट आपने आज से स्टार्ट कर देंगे देनी क्योंकि चुनाव आने लग रहे हैं चाहे हमें आगे आने वाले चुनाव विधानसभा की बात कर लें या फिर कुछ टाइम कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं क्या कुछ अपडेट आती रहा है पब्लिक क्या कुछ कव है आपने हर बात चैनल के ऊपर सुनावा वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो इसके गीडियो विराम देता हूँ जय हिंद जय भारत